अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ महाबलेश्वर का फेमस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रूबीज़ कुकिंग पैशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये देखिए, मैंने ये 200 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हैं और एक गिलास इसके लिए हम दूध लेंगे और इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे स्ट्रॉबेरीज को। और स्ट्रॉबेरी देख के सबके मुंह में पानी आ जाता है, ये इतनी टेस्टी होती है। और इसको क्रीम के साथ में भी बनाया जाता है। लेकिन हम मिल्क शेक बना रहे हैं तो इसको हम बनाने के लिए एक जार लेंगे मिस्सी का और ये सारी स्ट्रॉबेरीज इसमें डाल देंगे। और अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो इसे घर में ही बना के महाबलेश्वर का जैसा इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए, हमने सारी स्ट्रॉबेरीज इसमें डाल दी है। इसका कलर बहुत अच्छा होता है, इसे ना खाने वाला भी दिल ललचाने लगता है, वो भी खाता है इसको। 1 टीस्पून इसमें हम हनी डालेंगे। स्ट्रॉबेरी हमारी ये मीठी है, इसके ज़्यादा खट्टी नहीं है तो इसके लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून हनी डाला है। आप इसमें शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें हनी डाला है। हनी से ज़्यादा अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है तो इसे अभी हम ग्लास में डाल देते हैं। और इसका कलर इतना अच्छा लगता है जब ये बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए, आया ना आपके भी मुँह में पानी, तो जल्दी से स्ट्रॉबेरी लाइए और मिल्क शेक बनाइए और इसे इंजॉय करिए। अब इसके ऊपर हम क्रीम डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी रखी है। आप चाहे तो इसमें आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब भी डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अभी थोड़ा ठंडा मौसम है इसके लिए मैंने इसमें आइस क्यूब का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके ऊपर हम एक और स्ट्रॉबेरी रख देंगे, इससे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करें। और वीडियो को लाइक करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।